राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। हम सब पर जी दया है, ऊपर वाले की आप सभी का आशीर्वाद है। सुबह का टाइम है जी, 7:45 हो गए। हस्बैंड को जाना है ऑफिस, बच्चे सो रहे हैं, दोनों की छुट्टी है तो देर तक सोने देते हैं। जब उनका मन करेगा तब उठ जाएंगे, मतलब 7-8 बजे तक। और मेरा फ्रेंड आ गया है, ये देखो, लेकिन इतने प्यार से देखता है। अभी तो इसके ऊपर भी चढ़ जाता है, ये जो जाली सी है ना लोहे की, इसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर भी देखेंगे इधर उधर से, इधर उधर से। अभी इसको खाना चाहिए तो इसको खाना देंगे, और हस्बैंड का टिफिन पैक करना है। रोटी वगैरह मतलब ऐसे नहीं लेके जा रहे, थोड़ा हल्का फुल्का चाहिए, तो मैंने दाल भिगो रखी है, तो इसको खाना देती हूँ। और मैं तो थोड़ा ठीक है, मैं तो इसको जैसे एक चम्मच दिया ऐसे दिया, फिर रोटी वगैरह बनाती हूँ वो भी डाल देती हूँ। निशु क्या करती है, निशु ये इसकी आदत भी खराब हो गई। ये ना दिन में कई बार आता है, कई बार आके ऐसे ऐसे देखते रहेगा, फिर निशु आएगी, निशु तो भर भर के डाल दे जाएगी। बेटा इतना मत हिला इसको, अभी और भी आ जाएंगे, फिर कुछ झगड़ा मचेंगे। आ गए, अभी पता लग जाता है कि खुलती है ना इधर से विंडो आवाज से, फिर आ जाते हैं और अभी झगड़ा करेंगे खाएंगे। तो जी ये तो भिगो रखी है दाल, आज सप्ताह में कभी कभी तो चाहिए। ये दाल भिगो रखी, चने और मूंग वाली दाल है, तो ये थोड़ा सा छोक के ये दे दी आज टिफिन में। और दिन फ्रूट्स देती, वैसे दाल नहीं होती तो, पर आज ये दे रही हूँ टिफिन में ले जाने के लिए। 10-11 बजे से खाते हैं इसमें, उस टाइम पे खा लेंगे और खा के जाएंगे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में काटूंगी पपाया है, पपाया काटती हूँ, और एप्पल है, और फ्रूट्स थोड़े कम है आज। आज लेके आएंगे तो हस्बैंड को एप्पल दे दूंगी और पपाया, बाकी ये बच्चों के लिए, फिर आएंगे ऑफिस से तब लेते आएंगे। तो दिन में अभी चाहिएगा बच्चों को, वाटरमेलन और रखा है, तो ये सब काम करते हैं। और साथ में नींबू पानी, रनिंग वगैरह करके आ गई, योगा हो गया, उठी थी 5:30 के आसपास से उठी थी, तो ये सब काम हो गए। और अभी ये हल्दी नींबू वाला पानी, ये पानी पियेंगे। और टिफिन के लिए लेट हो रहा है क्योंकि हस्बैंड का टाइम होने वाला है, बस 10-15 मिनट में निकलेंगे, जल्दी से ये करती हूँ, तो ये काम करते हैं। तो इस तरह से जी हल्का सा थोड़ा सा इसको छोक देते हैं ना, थोड़ा सा तेल या घी डाल के, थोड़ा जीरा डाल दिया, एक तो टेस्ट बढ़ गया इसका, और दूसरा ना जो दाल है ना थोड़ी हल्की सी ना नरम पड़ जाती है, और गर्म अभी सर्दियों में गर्म गर्म खाओ ना तो अच्छी लगती है। वैसे करके देखा, मतलब ऐसे कच्चे ही हो ऐसे खाने से अच्छा ना, वैसे मतलब हेल्दी तो रहते हैं, हेल्दी तो ये भी इतना इतने में कुछ नहीं आया, थोड़ी सी देर बस 1-2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा वो करना, तो बस ये हल्के से हो गए हैं, अगर हम थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं जरा से। अब इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर जो भी आप चाहो, तो प्याज तो मैंने काट लिया, टमाटर वो काट के, और खीरा वीरा गाजर जो भी डालना चाहो तो बनाते हैं। साथ साथ में नींबू पानी भी चल रहा है। निशु जग गई है जी, सुबह के बज गए हैं 7:15, और मेरे बाबू जग गया है सुबह सुबह, जल्दी काम नहीं हुआ है कुछ भी, सब ऐसे बैग वैग देखो सब बिखरा पड़ा, करेंगे अभी धीरे धीरे। इसके पापा ऑफिस गए, और ये सुबह सुबह लेके बैठ गए, कल लेके आई थी ये, अभी क्रिसमस के लिए इनकी टीचर ने बोला है कुछ बना के लेके जाना है, तो कल ये पेपर लेके आई। देखो 20 रुपये का एक, कितने महंगे, बड़ी महंगा है, टोटल 100 5 लेके आई है क्रिसमस बनाने के लिए, ये सब स्टार वगैरह उस पर चिपकाएंगे तो 100 रुपये की आई। और दिखाओ बना भी लिया जिसने सुबह सुबह उठ के ना, कल तो इसके पापा लेट आए तो दिखाई नहीं पाई, कल बनाया था, तो आज सुबह अभी जाने से पहले उठ के दिखाया है मैंने, ये बनाया है देखो, ये बनाया है इसने क्रिसमस के लिए, टीचर ने बोला था बना के लाना है सबको ऐसे कार्ड, तो ये बना लिया निशु ने, सुंदर लग रहा है निशु। कार्ड बनाने के लिए नहीं बोलता, तो क्रिसमस ट्री बनाने के लिए, अच्छा क्रिसमस ट्री बनाने के लिए बोला था, तो इसने इस पे बना दिया, ये असलियत में वैसा बना था पर मैंने उस कार्ड भी बना दिया। ठीक है सुंदर है। और ये देर तक नहीं सोता मेरे बाबू, जल्दी से उठ जाता है, योशी सोई पड़ी है कुंभकर्ण, वो तो जगेगी जी उसको, वो तो 10 बजे तक जग जाएगी, तो मैं वेट करती हूँ, और जब 10 बजे नहीं जगती तब उसको जगाती हूँ, पर इतनी लेट तक नहीं सोने तो अच्छा नहीं होता, तो अभी तो 7 बजे, आधा घंटा और सोने दो, ज़्यादा ज़्यादा 8 बजे तक सोने दूँगी, फिर उसको जगा दूँगी। और ये टाइम से उठ जाती है, ये लेट तक नहीं सोती, ये बच्चा उठ गया है। और दिन में आज बहुत सारी हम क्या करेंगे जल्दी बोलो, मस्ती बहुत सारी मस्ती करेंगे, ऊपर से इनके एग्जाम भी चल रहे हैं, अभी बाकी है एक ही बाकी है निशु का, तो मेरा हिंदी का दीदी के दो बर्थडे होते हैं, योशी के दो बाकी हैं, इसका एक बाकी है, तो बस थोड़ी तैयारी करेंगे मस्ती करेंगे। जाना वाना आज कहीं नहीं है क्योंकि इसके पापा ऑफिस गए हैं, छुट्टी नहीं है, और कल भी शायद नहीं होगा, कल संडे है, आज सैटरडे है, तो बस घर का काम करते हैं, कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ बनाएंगे खाएंगे और अच्छे से अपने दिन को बिताएंगे। दीदी उठ गई, हेलो कुंभकर्ण, तू है कुंभकर्ण, मंडे को ट्यूसडे को वेडनेसडे को थर्सडे को और फ्राइडे को, तू सैटरडे संडे को है, मम्मी सैटरडे संडे को, तू 5 दिन के कुंभकर्ण है, कितना उठाने के बाद भी नहीं उठती है, रोने लग जाती चल चुप कर, सच्चे वही बोल रहा हूँ मैं, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी ये पानी पी रही है, ए क्या मतलब ऐसे तू देख रही है, पानी नहीं पीऊंगा तो मैं क्या पीऊंगा, तो जल्दी कर दे, कितनी लेट हो रही है, 8 बजे गए, 8:30 से भी ऊपर हो गए, तेरी वजह से मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मैं हमेशा स्कूल के लिए लेट होता हूँ, और तू सैटरडे संडे को हमेशा लेट होता, सैटरडे संडे को कौन सा स्कूल जा रहा है, और आज तो हमारा कराटे भी है,
ठीक है मैं चलती हूँ, बाय बाय। चलो चलो जी, देखो जी देखो, अभी मम्मा देखो क्या काम कर रही है। हेलो हेलो जी, टाइम हो गया है सही, 11 बज गए हैं, और थोड़ा लंच का काम चला दिया है क्योंकि फिर थोड़ा और कुछ काम करना है, तो अभी टाइम था तो सोची थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। और आज बन है इडली बन रही है जी, ये तो चटनी के लिए, साथ में गरम मसाला बनाऊंगी, कई दिन हो गए खत्म हो रहा है, धनिया धनिया था तो मैं अभी ऐसे करूंगी ना, इसमें धनिया तो ज़्यादा है ही, बस यही बना लेती हूँ, धनिया अलग से नहीं करूंगी। तो ये और ये इधर से लेके आए थे ना, जैसे इसमें डाले थे, बहुत इतनी अच्छी खुशबू आई है ना, इलायची में भी और इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आई है। और इडली के लिए जी ये इधर भिगो दिया, सूजी भिगो रखी, इधर ढक दिया दही से, सूजी से बनाती हूँ जल्दी बन जाती है, दाल से थोड़ा हो रहता है। योशी जाएगी नहाने आज, उसके बाड़ों में दही लगा रखा है। हाँ क्या हुआ? कई दिन से जी गीजर खराब हो रहा था, कल ठीक कराया, आज फिर काम नहीं कर रहा, थोड़ी देर तो काम किया, इसके पापा ना गए तब काम किया, और अभी योशी को नहाना था, पानी भी गर्म नहीं लगाया, मैं सोची गीजर से ऑन हो जाएगा, अभी वही राड लगानी पड़ेगी। बेटा बाल्टी दे, राड लगाती हूँ, तो अभी राड लगाऊंगी तब ये नहाएगी, यार इसके बाड़ों में दही लगा रखा है, ये बोली मैं जल्दी से नहाऊंगी, और अभी ये चल ही नहीं रहा, पानी गर्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी रहती है ना। कल गीजर ठीक हो गया था तो मैं सोची राड की तो जरूरत ही नहीं है, हो गया अब तो हमारा गीजर ठीक, आज फिर जरूरत पड़ी, उठा कर रख दी वो, अभी फिर से निकालनी पड़ेगी, सब्र नहीं किया कि 2-3 दिन देखती हूँ, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा चीजें लगती हैं गंदी रखी, ऐसे ही रखी थी, मैं सोची रख देती हूँ अब फिर से। हाँ ये भी बच्चा नहा के आ गया है, ब्रश करके आ गया मेरे बाबू, और ये नारियल पानी भी पी के आ गई दोनों बहनें। अभी टाइम हो गया है 1:30, और ये योशी ने हेयर वॉश कर लिया, नहा चुके हैं दोनों, पता नहीं क्या कट पिट कर रही है, इन कामों में ज्यादा मजा आता है। क्या बना रही है रे? सेंटा की कुछ पिक्चर बनाई, वो कट कर रही है, सर पे लगाए इसकी टी शर्ट। और ये मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसका भी एग्जाम है हिंदी का, ये भी पढ़ाई कर, अच्छा मैंने बोला पढ़ाई करने के लिए तब कर रही है, ये अपने ये नहीं कर रही है, हाँ तो करनी पड़ेगी ना, बेटा सुबह से खेल रहे। ये नीचे योशी ने बखेर रखा है, और जी नहाना नहीं हुआ है, मुँह पे थोड़ा सा दही लगाया था, बहुत देर हो गई, चिकना चिकना भी हो गया, तो अभी नहा के आएंगे। और यहाँ इडली बनाई थी ना, तो लास्ट की बची है, लास्ट में एक बार की बची गई थी, मतलब दो रहती है ना इसमें वैसे प्लेट, तो एक बार की बची है, तो ये बन रही है। तो ये इडली, ये बनाया इधर सांभर, और ये है चटनी, दूध दूध गर्म कर दिया और सब कर लिया। ये रही इडली, ये इतनी बन चुकी हैं, ये इतनी बन गई हैं, ये लास्ट की बची हैं, बस बन गई मतलब। अब इनके चक्कर में इडली, इन सब के चक्कर में ना इतने बर्तन, और वो तो सुबह के तो सब वॉश कर दिए थे ब्रेकफास्ट के, जो हो रहे थे थोड़े बहुत, अब ये तो हैं ही, खाएंगे वो अलग से। तो इडली बनाया, सांभर बनाया, कुकर हो गया, चटनी के लिए जार वार, फिर वो भी बनाया, मसाला भी पीसा, धनिया वगैरह गर्म मसाला, तो ये भी हो गया रेडी। तो तब से ना लगी रही हूँ, ये देखो, सोच रही थी जल्दी हो जाएगा कि जल्दी लग गई, पर इसको बार बार ग्राइंड किया, इन सब कामों में ना टाइम चला जाता है, 1:30 हो गया, अभी नहाना बचा है, तो बस ये लास्ट वाली इडली बन जाती है, बंद करके फिर बर्तन वॉश कर देती हूँ, तब तक ये बन रही है, 5-7 मिनट में बर्तन वॉश करके फिर जाती हूँ, नहा के आती हूँ, फिर खाएंगे खाना, इनको दे देती हूँ बच्चों को, इनको भूख लग रही थी, खाली इनके पापा आए नहीं है, तब तक आ जाएंगे, नहीं तो फिर मैं खा लूँगी, सोचते हैं इतनी देर में हो जाएगी, लेकिन जब करूँ तब ज़्यादा टाइम जाता है, तभी करते हैं ये काम। ये जी खाना लग गया इनका, ये थोड़ा सा हलवा है, ये चटनी है, ये सांभर है, ये इडली है, और निशु को लग रही है जोरों की भूख, है ना निशु? ठीक है खाओ, तो येलो हो जाता है थोड़ा सा कलर, खा लो। ये योशी की है भाई, इसमें साइड में मैंने एक्स्ट्रा रखी है, ले लेना रे इधर से, ठीक है। ये योशी की प्लेट, ये दोनों बहनें खा रही, मैं बाद में खाऊंगी, कैसी है? ठीक, खा लो जी। टाइम हो गया है 9:45, खाना पीना हो गया, शाम को थोड़ा बिजी हो गए थे तो इसलिए फ़ोन उठाया ही नहीं ब्लॉग के लिए, तो सब काम हो गया अभी, बस बर्तन धो गए, पानी चल रहा है बंटे में, तो बस इधर निकल रहा है, ये पानी भरना है बंटे में, और बाकी किचन का सब हो गया, बस ये भर जाएगा तब रखना है, और मुंह धो के आना है, मेरे को जाना है, ब्रश करनी है, मुंह धोना है, फेस वॉश करूँगा मतलब, और बस तब तक ये भर जाएगा, बस और कुछ करूँगी तब तक। तब ये 9:45 से ऊपर हो गया, कुछ ना कुछ 1-2 मिनट ऊपर हो गई है, 10:15 तक सो जाएंगे, इतना टाइम तोड़ लग जाएगा। तो जी आज के ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, शाम को कुछ रिपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि बिजी हो गई थी, थोड़ा और कुछ काम था, याद ही नहीं रहा, बच्चे आज कराटे में गए थे तो बस कुछ नहीं हो पाया, तो बस जी आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना, कल फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।